Good morning, everyone. I welcome to you in this class. Welcome to Ulyal Public School online classes. So today in this video lecture, we are going to read about book exercise, notebook exercise of lesson number 5 in our English 1 subject, A Good Play. Hannah, as you know that we have done book exercise of this chapter and we already read this chapter है ना in our last class. So today what we are going to do, अपना जो notebook का जो भी work है, exercise है like dictation word, question answer, fill in the blank, make sentences, etc. वो हम ये सारा इसमें cover करने वाले हैं. Okay? तो start करते हैं. First question is here, dictation words. Dictation words में number 1 है अपने stairs. S-T-A-I-R-S. Stairs, that means सीढ़ियाँ, है ना? Selling, S-A-I-L-I-N-G. Selling, that means क्या होता है? आप ship के through जो travel करते हो ना, ship में यात्रा करना, उसे selling कहते हैं. Nails, N-A-I-L-S. Nails. Slice, S-L-I-C-E. Slice मतलब किसी भी एक चीज का मतलब जैसे कि एप्पल है, एप्पल की आप स्लाइसेस करके कट करके खाते हो. केक है, केक की भी अपनी स्लाइस करके कट करके अपनी उसे टेक करते हैं ना. स्लाइस मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, स्लाइस किसी भी चीज का. अलोंग, ए एल ओ एन जी, अलोंग. पिल्स, पिल्स दैट मीन्स बकेट्स, जो बाल्टी होती है ना उसे पिल्स कहते हैं. फ्रेंड्स, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स. फ्रेंड्स दैट मीन्स मित्र, है ना. Saw, S-A-W, saw, that means क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है. इट इज अ ऑब्जेक्ट विच वी कैन यूज टू कट एनी हार्ड थिंग्स लाइक वुड. सॉ एक ऐसी चीज होती है लाइक एक्स हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, आरी हो गई, जिससे हम लकड़ी को काटने के लिए यूज लेते हैं. ठीक है. सेवरल्स, सेवरल्स क्या होता है? S-E-V-E-R-A-L. ओके. इनफ, इनफ दैट मीन्स क्या होता है? Several, that means क्या होता है? कुछ छोटी छोटी चीजें, है ना. Enough मतलब sufficient, E-N-O-U-G-H, enough that means sufficient, काफी, plenty, है ना. Knee, K-N-E-E, knee that means घुटना या घुटने, जो अपने knee होता है ना वो. Billows, billows मतलब waves, धाराएं, है ना. हो गया ये complete first question. Now moving to the second question. वर्ड मीनिंग. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वर्ड मीनिंग बेस्ड है. बिलोज का वर्ड मीनिंग क्या होगा? वेव्स मतलब लहरें, डब्ल्यू ए वी ई एस. पिल्स दैट मीन्स बकेट्स, बाल्टियां. इनफ, प्लेंटी, पर्याप्त. सॉ, अ टूल यूज टू कट वुड, अभी मैंने आपको बताया. आरी, जिसका यूज हम करते हैं वुड को कट करने के लिए. सेलिंग दैट मीन्स शिपिंग, जल यात्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होता है अपने. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1, द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड. द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड बिल्ट अ अपॉन द स्टेयर्स. स्पीकर, उसके फ्रेंड ने क्या बनाया था स्टेयर्स पे? शिप, S-H-I-P, ship. Okay? Next fill in the blank क्या है? They filled it with. उन्होंने जो ship बनाया था उसे किससे fulfill किया था? Somfa pillows से. Tom fell out and his knee. Tom गिर गया था और उसकी knee पे क्या लग गई थी? चोट लग गई थी, hurt हो गई थी. Okay? H-U-R-T, hurt. Hurt that means चोट लगना. द डैश वॉज लेफ्ट इन द एंड. कौन एंड में रह गया था शिप में अकेला? स्पीकर. स्पीकर दैट मीन्स जो ऑथर है, जिसने पोयम लिखी है. एस पी ई ए के ई आर. ओके. स्पीकर जो पोयम के बारे में बता रहा है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में अ ट्रू फॉल्स है. ओके. द स्पीकर एंड हिज फ्रेंड बिल्ड अ फोर्ट ऑन अपॉन द स्टेयर्स. जो स्पीकर ने क्या है ना, स्टेयर्स पे शिप बनाया था ना, फोर्ट तो उसने बनाया नहीं था, तो ये फॉल्स होगा. इट वॉज मेड ऑफ द बैक बेडरूम टेबल्स, फॉल्स.
क्यों फॉल्स है ये सेंटेंस? क्योंकि उसने बेडरूम टेबल्स का यूज नहीं किया था, उसने शिप बनाया था बेडरूम चेयर्स का यूज करके स्पीकर ने, तो इट विल बी फॉल्स. दे फिल्ड इट विद सोम्फा पिल्लोस, यस ट्रू. दे टुक वाटर इन नर्सरी पिल्स, ट्रू, क्योंकि उन्होंने नर्सरी पिल्स से वाटर लिया था, छोटे बच्चे के रूम से वाटर लिया था. टॉम वॉन्टेड टू टेक एन ऑरेंज एंड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, नो इट्स फॉल्स. टॉम क्या लेके गया था अपने साथ में? एन एप्पल एंड द स्लाइस ऑफ केक. ब्रेड नहीं लेके गया, ना ही वो ऑरेंज लेके गया था. ओके, दे सेल्ड फॉर 10 days. क्या वो 10 days तक उन्होंने शिपिंग की थी? नो, फॉल्स. क्यों? क्योंकि पोयम में कोई भी पर्टिकुलर डेज या टाइम के बारे में मेंशन नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 5, मेक सेंटेंसेस. Selling, selling से make sentence बनाना है. The ship is sailing on the sea. Ship किस पे है ना sail करता है? Sea पे है ना, समुद्र में तो चलता है ship. Tea से sentence बनाना है. The tea is very hot. Tea बहुत ज्यादा गर्म है. Tea that means चाय. Enough. This food is enough for me. ये खाना मेरे लिए enough है, मतलब पर्याप्त है. Enough that means plenty या enough, पर्याप्त. Cake. My mother made a cake for my birthday. मेरी जो mother है, मम्मी है, या मेरी जो, उन्होंने क्या बनाया है? मेरी mother ने cake बनाया है. किसलिए? मेरे birthday के लिए. आपको sentences बनाना है. Okay? Moving to the next question. Next question है question answer. नंबर 1, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स यूज टू बिल्ड अ शिप? दो फ्रेंड्स ने क्या यूज किया था शिप बनाने के लिए? द टू फ्रेंड्स यूज्ड बेडरूम चेयर्स टू बिल्ड द शिप. ओके, इस पोयम में जो आ गुड प्ले है ना, इसमें दोनों जो फ्रेंड्स थे उन्होंने किसका यूज किया था शिप बनाने के लिए? एज यू नो दैट कि वो जो शिप बनाया था उन्होंने, वो इमेजिनेशन पे बेस्ड था, पर उन्होंने कौन कौन सी चीजों का यूज किया था? दे यूज्ड बेडरूम चेयर्स टू बिल्ड द शिप. ओके, बेडरूम चेयर्स का यूज किया था. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड दे बिल्ड द शिप? उन्होंने शिप कहाँ बनाया था? बताओ कहाँ बनाया था? स्टेयर्स के ऊपर बनाया था, है ना. दे बिल्ड द शिप अपॉन द स्टेयर्स. उन्होंने अपना जो शिप था वो सीढ़ियों के ऊपर बनाया था. स्टेयर्स दैट मीन्स सीढ़ियां. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? What did they take with them? वो अपने साथ क्या क्या ले गए थे? कौन? टॉम और उसका जो फ्रेंड था, वो दोनों अपने साथ क्या लेके गए थे शिप में? They took a saw, several nails and a pill of water, an apple and a slice of cake. इतनी सारी चीजें लेके गए थे वो साथ में. ठीक है, देखो क्या क्या लेके गए थे. एक तो एप्पल लेके गए थे, स्लाइस ऑफ केक लेके गए थे, और वो पानी वाटर भी लेके गए थे. अपिल ऑफ वाटर मतलब एक बाल्टी पानी भी लेके गए थे, और एक टूल लेके गए थे, वुड कट करने वाला, ऐसे डब्ल्यू साव है ना, और सेवरल नेल्स लेके गए थे, बहुत छोटी छोटी सी चीजें लेके गए थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? हाउ डिड देयर गेम एंड? उनका गेम कैसे खत्म हुआ? कैसे खत्म हुआ कि जो कौन था, टॉम था ना, द स्पीकर्स फ्रेंड फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ, देयर गेम एंडेड. जो स्पीकर था उसका जो फ्रेंड था ना, टॉम था ना उसका फ्रेंड स्पीकर का, वो नीचे गिर गया था, तो इससे क्या हो गया था? गेम एंड हो गया. शिप में खाली स्पीकर ही अकेला रह गया था. जो पोयम हमें बता रहा है ऑथर है ना, वो अकेला रह गया था, और इस तरीके से उनका गेम एंड हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हु इज लेफ्ट इन द एंड? हु इज द लेफ्ट इन द एंड? एंड में कौन अकेला रह गया था? शिप में कौन अकेला रह गया था? स्पीकर. ओनली द स्पीकर वॉज लेफ्ट इन द एंड. समझ में आया आपको? जो स्पीकर था वो अकेला शिप में रह गया था. आपको समझ में आया ये चैप्टर? सो टुडे वी हैव कवर्ड ऑल नोटबुक एक्सरसाइज लाइक क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक सेंटेंसेस, ट्रू फॉल्स, है ना, इन दिस वीडियो लेक्चर. सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक्स, देन सेंड इट टू मी, लाइक सेंड इट टू योर सब्जेक्टिव टीचर्स थ्रू द व्हाट्सएप, है ना. सो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन रिवाइज इट वंस अगेन.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.